तो दोस्तों अफगानिस्तान दौरा कर रही है भारत का अगले साल के पहले महीने में यानी कि जनवरी 2024 में अफगानिस्तान भारत आएगी 3 T20 मैच खेलने। अभी जो वर्ल्ड कप बीता है उसमें अफगानिस्तान ने दिखाया है कि ये कोई छोटी टीम नहीं है। पहले हो सकता था कि ये कोई छोटी टीम रही हो जिसको कोई भी टीम आके हरा दे, लेकिन वर्ल्ड कप में इन्होंने प्रूव किया है कि ये कोई छोटी मोटी टीम नहीं है। इनको हराने के लिए आपको बकायदे अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, आप अच्छा खेल दिखाएंगे तभी इनको हरा सकते हैं। तो T20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर जो है वो अफगानिस्तान के नाम ही है। अफगानिस्तान ने कुछ साल पहले 278 रन बनाया था जो कि T20 का हाईएस्ट स्कोर है इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो 11 जनवरी से इस सीरीज की शुरुआत हो रही है। पहला मुकाबला इंडियन टीम खेलेगी मोहाली में 11 जनवरी को, दूसरा मुकाबला खेलेगी इंदौर में 14 जनवरी को, लास्ट मुकाबला खेलेगी 17 जनवरी को बेंगलुरु में। यानी कि पहला मुकाबला होगा IAS बिंद्रा मोहाली क्रिकेट स्टेडियम में, दूसरा मुकाबला होगा होलकर स्टेडियम में, तीसरा मुकाबला होगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। ये सभी मैचों की टिकट जो है वो जल्द ही आने वाली हैं। उम्मीद आप कर सकते हैं 10 दिसंबर के बाद इनके टिकट की लाइन जो है वो ओपन कर दी जाएंगी। अभी फिलहाल वुमेन्स क्रिकेट का मैच चल रहा है तो इस वजह से इसके टिकटें आने में थोड़ी सी डिले हो रही है, लेकिन वुमेन्स क्रिकेट के जब एक दो मैच और हो जाएंगे उसके बाद से इसके टिकटों की लाइन जो है वो ओपन की जा सकती है, ऐसी रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं। तो जब भी इसके बारे में कोई अपडेट आएगी या टिकटों की लाइन ओपन की जाएंगी तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट ला के देने की कोशिश करूंगा। तो जब भी मैं अपडेट दूंगा तो तुरंत जाकर टिकट बुक कर लीजिएगा, आसानी से आपकी टिकट बुक हो जाएगी और आपके घर पे होम डिलीवरी भी हो जाएगी। तो अगर आप लेट करेंगे टिकट बुक करने में तो सस्ती टिकट नहीं मिल पाएगी, आपको सिर्फ महंगी टिकट मिलेगी और ऐसा भी होता है कि आपको जाके बॉक्स ऑफिस से टिकट कलेक्ट करनी पड़े। तो जब भी इसके बारे में कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आपको ला के तुरंत दूंगा, तुरंत जाकर अपने टिकट आप बुक कर लीजिएगा।